ढाई महीने में ही सबको पछाड़ टॉप डेस्टिनेशन बनी अयोध्या। दूसरी पसंदीदा जगह का नाम जान मुस्कुरा देंगे। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके बाद से ही रोजाना वहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आलम तो ऐसा है कि मंदिर को भक्तों के लिए खुले हुए ढाई महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी रोजाना 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार समर वेकेशन आने पर ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। एयरलाइंस बुकिंग से जुड़े ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि अयोध्या टूरिस्टों का पहला पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। हर दूसरा टूरिस्ट ले रहा अयोध्या की जानकारी। रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं का भारी हुजूम अयोध्या धाम पहुंच रहा है। आलम यह है कि अभी हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक इस बार देश में समर वेकेशन में सबसे ज्यादा क्रेज अयोध्या के लिए है। एयरलाइंस बुकिंग से जुड़े ट्रैवल एजेंट दिवाकर कहते हैं कि हर दूसरा टूरिस्ट अयोध्या के बारे में जानकारी ले रहा है। श्रद्धालुओं और टूरिस्टों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अयोध्या एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग का समय 2 घंटे बढ़ाया गया है। आमतौर पर अयोध्या एयरपोर्ट पर दिन के समय ही फ्लाइट ऑपरेशन होते हैं, लेकिन बढ़ते एयर ट्रैफिक को देखते हुए इसे हर दिन शाम 5 बजे से बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। लोगों में लक्षद्वीप के लिए दिखा उत्साह। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप के लिए भी उत्साह देखा जा रहा है। पिछले दिनों नई एयरलाइंस फ्लाई 91 ने गोवा से अगाती एयरपोर्ट लक्षद्वीप के लिए सेवाएं शुरू की हैं। फ्लाई 91 के MD मनोज चाको बताते हैं कि गोवा से अगाती की उनकी हर फ्लाइट फुल है। भव्य धाम में पहला जन्मोत्सव, अयोध्या के लिए ये रामनवमी खास है। पहली बार भव्य मंदिर में राम जन्मोत्सव की तैयारियां खास तरीके से हो रही हैं। रामनवमी पर रामलला को नई पोशाक पहनाई जाएगी, विशेष श्रृंगार कर फल और मेवे का भोग लगेगा। जन्म के समय सूर्य की किरणों के जरिए सूर्याभिषेक की भी तैयारी है। जन्मोत्सव पर करीब 40 लाख श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। इस दिन मंदिर ट्रस्ट ने 20 घंटे तक दर्शन पर सहमति दे दी है। आमतौर पर रोज 14 घंटे मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है।